हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अब ओडीआई सीरीज शुरू होने जा रही है और टी20 में तो एक एक से लेवल हो गया। तीसरा मैच बारिश कारण धुल गया था। अब देखते हैं ओडीआई में कौन अपना दम दिखाता है, कौन सी टीम जीतती है। पहला ओडीआई मुकाबला 19 तारीख को शाम 5 बजे से खेला जाने वाला ट्रेंट विच नॉटिंगहम में। तो इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको फैंटेसी टीम में कौन कौन से प्लेयर पिक करने चाहिए वो भी हम बताएंगे। उसके अलावा सीपीएल चल रहा है, तो सीपीएल का जो अपडेट है वो टेलीग्राम पर आपको देखने को मिल जाएगा। और जब मैं इंटरनेशनल कवर करता हूँ तो सीपीएल टेलीग्राम पर कवर करता हूँ, और इस मैच का भी फाइनल अपडेट टीम टेलीग्राम पर ही आएगा। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो पिच रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं। इस वेन्यू पर 49 ओडीआई मुकाबले हुए, 260 का एवरेज स्कोर है, 22 मैच डिफेंड और 25 मैच चेस होते हुए नजर आए। 11 बार 300 प्लस बना है, 17 बार 250 300, 8 बार 200 250 और 13 बार 200 से नीचे का स्कोर यहां पे बन चुका है। यहां की जो विकेट है बैटिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, अच्छा खासा बाउंस स्विंग हमें देखने को मिलता है और कभी कभी स्पिनर्स भी अच्छा करते हैं यहां पे दूसरी पारी में, तो उनके लिए भी यहां पे टर्न वगैरह देखने को मिलता है और नई गेंद के साथ पेसर्स जो है विकेट चटकाते हैं, बट ओवरऑल जो है रन्स भी बनते हैं। तो 300 प्लस इस मैच में हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हेड टू हेड मैचों की बात की जाए तो 156 बार ये दोनों टीम ने आमने सामने हुई, 28 ऑस्ट्रेलिया और 66 इंग्लैंड जीती है। लेकिन आखिरी के 10 मुकाबले देखे जाए तो 10 में से 2 सिर्फ इंग्लैंड जीती है, 8 मुकाबलों में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया है। इंग्लैंड मेजबान से शुरुआत करते हैं, तो टीम कुछ इस तरीके से नजर आ सकती है। फिलिप सॉल्ट और विल जैक एक बार फिर से ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। वेन डकेट आपको तीसरे नंबर पे हैरी ब्रुक जो है लीड करने वाले हैं। लियम लिविंगस्टोन, जैकम बैथल, जोफ्रा आर्चर, क्रेज, आदिल रशीद, पॉट्स और रेसी टोपली आपको टीम में नजर आ सकते हैं। टीम जबरदस्त नजर आ रही है, ओपनिंग तो बहुत अच्छी है और उसके अलावा मिडिल ऑर्डर में भी इनके पास 3 ताबड़तोड़ बल्लेबाज मौजूद है। लोअर ऑर्डर देखा जाए तो ये थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, बट फिर भी बैटिंग काफी जबरदस्त है इनकी। पिछला मैच ये जो खेले थे वेस्टइंडीज खिलाफ खेले थे, 206 रन ही बना पाए थे 40 ओवर में 9 विकेट खोकर और डीएलएस मेथड से मैच हार गए थे। और ये देखिए यहां पर डॉकेट ने 71 बनाए थे और लियम लिविंगस्टोन ने 45 बनाए थे, बाकी सब के सब स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे। गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी ठीक ठाक हुई थी, 2 विकेट यहां पर अगेंस्टर ने लिया था, थोड़े महंगे साबित हुए। 3 विकेट यहां पर लिया था विल जैक ने। विल जैक बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत ही कमाल की करते हैं, ओडीआई में तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं ये। सैम करन भी अच्छे टच में नजर आए थे। पिछले 5 मैचों में इंग्लैंड 3 जीती है, 2 हारी है और ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक ओडीआई मुकाबले जीत कर आ रही है। टॉप फैंटेसी पिक में फिलिप सॉल्ट को मैं पिक करना चाहूंगा, माफ कीजिएगा ये यहाँ पे कैप्टन नहीं है, ऐसे विकेट कीपर ही खेलेंगे। ओडीआई में हैरी ब्रुक लीड कर रहे हैं, बट फॉर्म पिछले मैच में बहुत अच्छा दिखा था। लास्ट टी20 जो खेले थे 39 बनाया था, 20 यहाँ, 61 यहाँ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 ही ओडीआई खेले हैं, उसमें नंबर्स अच्छे नहीं है, बट यहाँ पे बल्लेबाज बहुत कमाल का है तो ये चल सकते हैं। दूसरी पिक विल जैक, विल जैक बहुत अच्छे खिलाड़ी, अभी हाल ही में 7 विकेट इन्होंने लिया था यहाँ, 59 रन, बट टी20 मैच में तो नहीं चले बट ओडीआई में चलने के चांसेस है। साथ ही साथ गेंदबाजी से ये विकेट्स लेते रहते हैं तो आपको डबल पॉइंट्स करके दे सकते हैं। बेन डकेट 86 यहाँ किया, 840 यहाँ किया, बहुत अच्छे फॉर्म में इस वेन्यू पर एक मैच खेले हैं, 48 बना चुके हैं और आखिरी मैच जब हुआ था तो अकेले इन्होंने ही सेवियर वाला काम किया था, तो ये भी चल सकते हैं। हैरी ब्रुक टीम को लीड कर रहे हैं, कैप्टन है, फॉर्म देखा जाए तो अच्छा है, 56 37 33 इस तरीके का स्कोर कर रहे हैं, तो चाहो तो ले सकते हो अपनी टीम में। हमने लिया लियम लिविंगस्टोन को, 87 2 विकेट, 37 3 विकेट, 43 1 विकेट, 55 33 बैटिंग बॉलिंग दोनों से हम देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, रन भी बना रहे हैं और ये तो भैया ओडीआई है तो मौके भी ज़्यादा रहेंगे रन बनाने के, तो ये चल सकते हैं इस मैच में। बैथल को भी ले सकते हो, 44 यहाँ बनाया था आखिरी मैच में, 64 यहाँ बनाया, 3 मैच हम फ्लॉप हुए। बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं। पॉट्स भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 विकेट यहाँ, 9 विकेट 2 विकेट, ये 9 विकेट बाई मिस्टेक शायद लिख दिया है, मुझे ध्यान नहीं है, 9 विकेट इन्होंने कब लिया था, बाई मिस्टेक मुझे लगता है ये यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये भी फॉर्म अच्छा है, बैथल का भी फॉर्म अच्छा है, मैथ्यू पॉट्स का भी फॉर्म अच्छा है, बहुत अच्छे गेंदबाजी ले सकते हो। क्रेज 2-2 विकेट हर मैच में ले रहे हैं तो इनको भी लिया जा सकता है, ये भी बहुत ही कमाल के गेंदबाज हैं। आदिल रशीद को भी ले सकते हो, 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, टन वगैरह भी है इस विकेट पे। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 26 पारियों में 47 विकेट हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 240 रन भी बनाया है, गेंदबाज होकर रन भी बनाया है, तो ये यहाँ पे पॉइंट्स करके आपको दे सकते हैं। जोफ्रा आर्चर फिलहाल हमारी टीम में जो कि 2-2 विकेट लगातार निकाल के दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 1 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 5 पारियों में 10 विकेट ले चुके हैं। और रेसी टोपली भी टीम में खेलते हुए नजर आएंगे, तो चाहो तो ले सकते हो, बट 2 मैचों में जो टी20 हुआ था उसमें विकेट इनको नहीं मिला था।
ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में मिचेल मार्श जो है टीम को लीड करने वाले हैं, एक बार फिर से वापस आ रहे हैं। दो ओडीआई के लिए, दो टी20 मैचों के लिए बाहर हो गए थे। टीम इस तरीके से नजर आ सकती है। ट्रेविस हेड के साथ मैट शॉट ओपन करेंगे, स्टीवन स्मिथ आएंगे टीम में, मिच मार्श होंगे, मैक्सवेल की वापसी होगी, हार्डी, कैरी, ग्रीन, सीन एबर्ट, एडम जंपा और मिचेल स्टार्क। टीम बड़ी जबरदस्त है, मतलब कि गेंदबाजी में इनके पास बहुत सारे 7-8 विकल्प मौजूद है। देखिए मिच मार्श हो गए, शॉर्ट गेंदबाजी कर लेते हैं, अभी 5 विकेट लिया था, मैक्सवेल, हार्डी, ग्रीन, एबॉट, जंपा, स्टार्क, मतलब 7-8 विकल्प के साथ ये उतरेंगे और सबके सब बहुत ही कमाल के फॉर्म में है। तो गेंदबाजी तो बहुत तगड़ी है और बैटिंग भी स्मिथ वगैरह के आने से और ज़्यादा जो है स्टेबल हो जाएगी। ट्रेविस हेड मैट शॉट ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानते ही हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए। नीचे एलेक्स कैरी जो है टीम को स्टेबिलिटी देंगे, ग्रीन भी और सीन एबॉट भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो बैटिंग में बहुत सारा विकल्प है, बॉलिंग में भी बहुत सारा विकल्प है। आखिरी मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले थे, उसी वेस्टइंडीज के खिलाफ जिसके खिलाफ अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड हार कर आ रही है। वेस्टइंडीज को 86 पे ऑल आउट कर दिया था और 6 ओवर में टारगेट चेस कर लिया था। गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई थी, 4 विकेट निकाला था ब्रेडलेट ने, 1 विकेट निकाला था एबॉट ने, 2 विकेट निकाला था मॉरिस ने और 2 विकेट निकाला था जंपा ने। बाकी सबने भी अच्छी गेंदबाजी करी थी और बल्लेबाजी में टॉप के बल्लेबाजों ने ही मैच जिता दिया था। टॉप एंड सिपिक की बात की जाए तो ट्रेविस हेड टी20 मैचों में बहुत अच्छे टच में नजर आए, 31, 59, 80 यहाँ पे, और इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई में भी बहुत अच्छा करते हैं, 152, 69, 56, 14 पारियों में 646 रन है, ऑलमोस्ट 50 का एवरेज है। तो ट्रेविस हेड का यहाँ पे बल्ला चल सकता है। उसके अलावा मैच शॉट 28, 5 विकेट, 41, 25 बहुत अच्छे फॉर्म में, गेंदबाजी भी करेंगे तो विकेट्स भी लेकर दे सकते हैं। स्टीवन स्मिथ अगर पहले बैटिंग करती है तो इनको भी लेना जरूरी है, 88, 56, 57 बहुत अच्छे फॉर्म में, इंग्लैंड भी पसंद है, 44, 94, 80, 85। पिछली 5 पारियों में 4 डिसेंट इनिंग खेली है इन्होंने, 34 पारियों में 1103 रन है और 15 विकेट है इंग्लैंड के खिलाफ। तो इंग्लैंड की पसंदीदा टीम है, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी देख सकते हो। मिच मार्श वापस आ रहे हैं, लेना है तो ले सकते हो। 330 प्लस के स्कोर पिछली 5 पारियों में इंग्लैंड के खिलाफ, 30, 1 विकेट, 50, 73, 1 विकेट, 1 विकेट यहाँ, 18 पारियों में 564 रन, 19 विकेट है, नंबर्स इनके भी जबरदस्त है। ऑस्ट्रेलिया वालों को इंग्लैंड बहुत पसंद है, हमने लिया है मैक्सवेल को, मैक्सवेल एक अच्छी पिक हो सकते हैं, 40, 1 विकेट, 54, 34, 3 विकेट, 15, 2 विकेट, 3 विकेट विकेट भी ले रहे हैं, रन भी बना रहे हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मिनट में सेंचुरी चढ़ी थी, 77 यहाँ किया था, 22 पारियों में 860 रन है, 41 का एवरेज है और 15 विकेट भी है, इनके भी नंबर जबरदस्त है। उसके अलावा एरन हार्डी को हम स्किप कर रहे हैं, हालांकि बहुत ही कमाल की क्वालिटी प्लेयर है, चाहो तो ले सकते हो। और एलेक्स कैरी 96 बनाया था आखिरी जो मैच खेले थे उसमें, आखिरी इनिंग में, और इंग्लैंड के खिलाफ ये भी सेंचुरी वगैरह जड़ते रहते हैं, 11 पारियों में 346 रन बना चुके हैं। ग्रीन को फिलहाल हमने पिक किया है, टी20 मैच तो अच्छे नहीं गए लेकिन उससे पहले 62, 3 विकेट, 26, 2 विकेट और इंग्लैंड के खिलाफ 47 और 20 का स्कोर कर चुके हैं। आप चाहो तो इनको हटा के आप ले सकते हो मिच मार्श को, ठीक है, ग्रीन को हटा के। सीन एबर्ट 2-2 विकेट, 3-3 विकेट हर मैच में ले रहे हैं तो इनको भी लिया जा सकता है, ये भी एक कमाल की पिक हो सकते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ एक ही ओडीआई खेले हैं। और एडम जंपा फिलहाल हमारी टीम में है जो कि इंग्लैंड के खिलाफ जब भी खेलते हैं 3-3, 4-4 विकेट से नीचे ये बात नहीं करते। ये देखिए नंबर्स, 3-3, 4-4 विकेट हर मैच में, 12 पारियों में 26 विकेट है, फॉर्म भी अच्छा है, चल सकते हैं। मिच स्टार्क को हमने लिया 2 विकेट यहाँ और 22 पारियों में 38 विकेट इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें 2 विकेट, 4 विकेट इन्होंने कई बार लिया है। आइए टीम देखते हैं, तो सेफ टीम में है फिलिप सॉल्ट, स्मिथ है कैप्टन, यहाँ पर ट्रेविस हेड, डैकेट वाइस कैप्टन, मैक्सवेल, मैट शॉट, लियम लिविंगस्टोन, विल जैक, ग्रीन, मिच स्टार्क और एडम जंपा यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ग्रीन की जगह आप चाहो तो मिच मार्श को भी अपनी टीम में ले सकते हो, वो भी इंग्लैंड को बहुत पसंद करते हैं। रिस्की टीम में है फिलिप सॉल्ट, कैप्टन है स्मिथ, ट्रेविस हेड, वाइस कैप्टन डकेट, हैरी ब्रुक, उसके अलावा जो है ग्लेन मैक्सवेल, शॉट, लियम लिविंगस्टोन, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा और जोफ्रा आर्चर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बाकी इस मैच की जो भी फाइनल टीम होगी टॉस के बाद वो टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। तो फाइनल टीम और फाइनल प्रेडिक्शन के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें, सीपीएल का भी अपडेट आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेगा। और सीपीएल में जिस दिन इंटरनेशनल मैच होगा वो मैं वीडियो में इंटरनेशनल मैच कवर करूंगा, तो टेलीग्राम को लिंक से ज्वाइन करना है, फेक से बच के रहना है। विनर की बात की जाए तो भैया यहाँ पे 52% ऑस्ट्रेलिया के, 48% इंग्लैंड के जीतने के चांसेस है। मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मुकाबला जीत सकती है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू मी ऑस्ट्रेलिया मे बी द विनर ऑफ दिस गेम। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इंग्लैंड की टीम यहाँ पे मैच जीत पाएगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।